अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी सरगोधा में, मेरे साथ है जी आकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं अल्लाह पाक का शुक्र है भाई। और माशाल्लाह से दोस्तों सरगोधा में आकिब भाई का बड़ा अच्छा शौक है जी, बड़ा मशहूर बकरा है सरगोधा की तहसील में आकिब भाई का, और नाम है जी इसका मुकद्दर। ऐसे ही आकिब भाई माशाल्लाह से चेहरा देखें कितना बड़ा है, झालर शालर देखें, डिटेल भी इसकी सारी लेते हैं जी आकिब भाई से। अच्छा आकिब भाई, सबसे पहले तो बकरे का कद बताएं, कितना ऊंचा है बकरा? ऑन भाई कद 46 प्लस से। 46 प्लस जी आकिब भाई हाइट बता रहे हैं। दोस्तों माशाल्लाह से बड़ा ज़्यादा जान में है जी बकरा, मुकद्दर नाम है इसका, 46 प्लस बता रहे हैं आकिब भाई। लेकिन जो इसमें चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ऐसे फेसेस जो हैं वो बड़े रेयर हैं और बड़े कम मिलते हैं। बाकी सींग देखें माशाल्लाह से चिपटे सींग हैं, बड़े सींग हैं सर के साथ माशाल्लाह। अच्छा आकिब भाई, ये किस उम्र में आपने लिया था और इसे आपने ब्रीड ली है? जी ऑन भाई ब्रीड ली है इसे। अच्छा तो तकरीबन मैं लिया कोई 3-1 महीने का बच्चा उस टाइम। अच्छा 3 महीने का जी, तो छोटा 2.5 से 3 महीने की उम्र। नहीं तो बच्चे को गाय के दूध पे पाला के? नहीं कुछ बकरी दा कुछ वैसे ही गाय भैंस का मिक्स ही दूध दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लिया कहाँ से था आपने और इसका बाप कौन सा था? ऑन भाई ये शाहपुर के साथ उस्ताद सलीम साहब आए, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत की जगह दे। ठीक है, फौत हो गए ने रमजान कुछ दिन पहले, ये उन्होंने घर बच्चा पैदा हुआ है। शाहपुर के उस्ताद सलीम है, उनके घर ये पैदा हुआ था। तो इसका बाप कौन सा था आकिब भाई? इसका बाप ऑन भाई इतने दरे में अब्बास 30 साहब। हाँ जी, वो देखो बकरा ही, वो बकरा भी जबा हो गया, वो बकरा पीछे में अदर साहब बड़े नवाब बकरे। अच्छा तो ये नवाब का, नवाब के बेटे का बेटा है जी ये माशाल्लाह से। और चेक करें जी इसकी खूबसूरती, 46 प्लस है जी आकिब भाई के बकौल। माथा देखें, सींग देखें, और ख़ूबसूरत बड़ा ज़्यादा है। अच्छा आकिब भाई, इससे कितनी बकरियां क्रॉस कराई थी, कितने बच्चे हैं इसके आपके पास? तो 8-10 बच्चे मेरे अपने को हैं इसमें। अच्छा तो माशाल्लाह। और आकिब भाई अगर कोई भाई इसके बच्चे लेना चाहे तो दे देंगे? कौन भाई कोई शौक ना? अच्छा अगर कोई शौक से लेना चाहेगा तो देंगे माशाल्लाह। बाकी बकरे के पास जी कंबल बड़ा ज़्यादा है, पेटा बहुत अच्छा है, और मेन चीज़ है ब्यूटी। ब्लड लाइन तो इसकी अच्छी है ही है, लेकिन जो इसका चेहरा है, जो इसकी झालरें हैं, ये देखें ना इसकी झालरें माशाल्लाह से। जी दोस्तों माशाल्लाह से झालरें देखें, मुंह के वट देखें, ये झालरें देखें कितनी ज़्यादा हैं इसके ऊपर। ब्लड लाइन तो इसके पास अच्छी है ही है, लेकिन माशाल्लाह से गर्म भी बड़ा है। और आकिब भाई ब्रीडर को गर्म भी होना चाहिए कि बकरी बोले तो क्रॉस हो जाए साथ ही माशाल्लाह। अच्छा आकिब भाई, इसके 8-10 बच्चे हैं आपके पास? ज़बरदस्त। तो आकिब भाई अभी छिगा हो रहा है, यानी 48 तक चला जाएगा ये? माशाल्लाह 48 प्लस हो जाएगा। और आकिब भाई अगर कोई भाई बकरे का शौक करना चाहे, अगर कोई भाई बकरा लेना चाहे तो? अच्छा ये शौक से रखा हुआ है माशाल्लाह। मुंह देखें जी इसका माशाल्लाह से कितना बड़ा है, इधर से देखें कितना ब्रॉड है। बाकी टांगे देख सकते हैं आप सभी इसकी माशाल्लाह से क्लियर टांगे हैं बिल्कुल, और बॉडी स्कोर बड़ा अच्छा है। बाकी दोस्तों माशाल्लाह से मुझे ब्रीडर बहुत पसंद आया जी, और उसकी वजह ये है, एक तो है पूरा एक कलर में, और इसकी ब्लड लाइन बड़ी अच्छी है। अभी सामने से देखें इसका मुंह, अभी 6 दांत हो रहा है ये, इसने और बहुत बड़ा मुंह कर जाना है। डी फेस में इसका चेहरा है और झालर शालर। अच्छा आकिब भाई जो इसके बच्चे आए हैं आपके पास, तो उनमें भी ऐसे ही मुँह माथे झालरें आई हैं? बच्चे होते हैं सलवट्टा। अच्छा तो आपका पीछे कौन सा पिंड है जिधर बच्चे हैं इसके? छोटा साहिवाल जो इधर है। ठीक, सरगोधा की एक तहसील है छोटा साहिवाल जिसको कहते हैं, उधर आकिब भाई ने बकरियां रखी हुई हैं और उधर ये बकरा मेटिंग करता रहा है जी, और बच्चे इसके काफ़ी आए हुए हैं। तो आकिब भाई कोई भाई अगर आपसे वो क्लिप्स मांगेगा बच्चों के तो मिल जाएंगे? ठीक माशाल्लाह। तो आकिब भाई अभी बकरा ये इधर लाए हुए हैं कि अभी ब्रीडिंग रोकी हुई है इसे? माशाल्लाह। बाकी चेक करें जी मुंह देखें कितना चौड़ा है, झालर शालर, और मेन चीज़ खूबसूरत बड़ा ज़्यादा है। अभी थोड़ी गर्मी कर रहा है क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा है इधर, और आकिब भाई ने खुराक भी ज़रा टाइट रखी हुई है बकरे की माशाल्लाह। तो आकिब भाई माशाल्लाह से इतना मशहूर है आपके पास बकरा है, तो लोग देखने आते हैं दूर दराज से? तंग तो नहीं करते? नहीं तंग नहीं, बस आंदे ने शौक बंदे करते नहीं इसके। अच्छा ये देखें जी माशाल्लाह। और मुकद्दर नाम था ना आकिब भाई? मुकद्दर। तो आकिब भाई खुराक में क्या दे रहे हैं इसको? गंदम चने। ठीक है, नहीं दलिया बनवा के क्या? साबित गंदम साबित है और दलिया चार फाड़ कराए। अच्छा चना चार फाड़। हाँ, चार फाड़। बाकी माशाल्लाह बड़ा एग्रेसिव है ये देखें जी।
जी दोस्तों, बाकी माशाल्लाह से जो बकरे को वंडा देते हैं आकिब भाई, वो आपको दिखा रहे हैं। इसमें चने हैं, गंदुम है। आकिब भाई सिर्फ गंदुम और चने ही हैं जी? ठीक, ये करे हाँ चाचा जी आगे जाले छोड़ दें। ये देखें जी माशाल्लाह, खूबसूरती चेक करें जी इसकी, माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं दोस्तों वंडा कैसे खा रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आकिब भाई के पास आया था ये धुंधा था और ऑलमोस्ट 43 था। ये खूबसूरती बड़ी ज़्यादा है इसके पास, इसके बच्चे भी आकिब भाई के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा आकिब भाई, आपके पास बकरियाँ जो हैं वो दूध में अच्छी हैं, मिल्किंग में ज़बरदस्त? अच्छा, अभी सरगोधा में शहर में तो इनके पास इधर नहीं है, नहीं तो आपको इनकी बकरियों का भी शौक कराते। लेकिन ये एक रेयर ब्रीडर है जी, खूबसूरत है और शौक़ वाली चीज़ है, तो मैंने कहा इसका आप सभी को क्लिप बना के दिखाते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह से, कान इसके पास बड़े अच्छे हैं, सींग बड़े अच्छे हैं, झालर शालर, फेस ब्यूटी, टांगें और मेन चीज़ है इसकी पेडिग्री। तो आकिब भाई इस शौक़ के बारे में क्या कहते हैं? माशाल्लाह से बकरियों का शौक़ जो है सुन्नत है एक तो, और बिल्कुल और मज़े वाला शौक है एक, ज़बरदस्त। तो आकिब भाई जब आपने ये बच्चा लिया था तो पालने में इसको मुश्किल नहीं हुई? मुश्किल होने भाई तो होंगी ये बात। अच्छा, नहीं तो फीडर से दूध पिलाते थे? हाँ, फीडर नाल उसने पी लेता है। अच्छा, इतना बिल्कुल मासूम बच्चा ही नहीं आई, तकरीबन 2.5 दिन माँ धोए आई, थोड़ा थोड़ा जरा सब चारा भी खा लेता है उस टाइम। अच्छा, नाल दाना शाना भी उस टाइम शुरू थोड़ा थोड़ा खा लेता था। ठीक है, लेकिन आपने लगता है देखभाल इसकी काफ़ी अच्छी की थी तो ये इतना बड़ा अच्छा बन गया इसी वजह से माशाल्लाह। चेक कर लें जी, बहुत खूबसूरत मेल है। और सरगोधा सिटी में जी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा शौकीन है बकरियों का, बकरों का सरगोधा में बड़ा ज़्यादा शौक हो रहा है। मैं सरगोधा आया हुआ हूँ, मुख्तलिफ शौकीनों की इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ आप सभी को देखने को मिलेंगी। और ये बड़े प्यार वाले भाई हैं जी आकिब भाई, आकिब भाई से हम नंबर भी लेंगे और आप सभी आकिब भाई से राबता कर सकते हैं माशाल्लाह। चेक करें जी, मुकद्दर को देख लें जी, और वाकई मुकद्दर का सिकंदर है आकिब भाई माशाल्लाह। यौन भाई कदर नाली जी चीज अल्लाह पाक देंदा, बिल्कुल पैसे नाली चीज नहीं लगती, नहीं मिलती, किस्मत नाली चीज मिलती है। बिल्कुल जी, अच्छी चीज आकिब भाई आज के दौर में मिल जाना ही नेमत है। और बकरियों का शौक आजकल जितने शौकीन बन गए हैं YouTube पे वीडियोस देके, तो वाकई मुकद्दरों से मिल रही हैं। मुकद्दर जी माशाल्लाह से, आकिब भाई वैसे पूरा 46 होगा के 46.5 होगा? ये 46 प्लस है, 46 पूरा जी। चलें जी माशाल्लाह, बाकी वर्ड देखें जी इसके माशाल्लाह से बड़ी गुंजाइशें हैं। ऐसे बकरे जी पलाइयों में भी बड़े अच्छे रहते हैं और ब्रीडिंग के लिए तो अच्छा है ही है। और आकिब भाई आगे से ब्रीडिंग के लिए इसके कोई पठूरे रोके हैं आपने? अच्छा, इसके बच्चे कितने कितनी उम्र हो गए आपके पास? अच्छा, डेढ़ डेढ़ दो महीने के। पहले कुछ दो तीन बच्चे आए सन, सेल कर दिते हैं, पाँच पाँच छः छः माह दे आए। अच्छा, छोटे बच्चे ने आए होने माशाल्लाह जी। ये देखें जी चट कर गया। तो आकिब भाई हाजमे के लिए क्या देते हैं आप इसको? और भाई हाजमे वास्ते ना फैसलाबाद दे नहीं, वो समुद्री वाले उस्ताद फरहान गुजर। हाँ जी, वर्ल्ड लाइफ लैंड है जी जी जी, उन्हें कुल मैं तो मसाला मंगा। अच्छा, नहीं तो वो एक चम्मच देते हैं कि क्या? वो हफ्ते बस दो दफा चम्मच चम्मच दे देते हैं रात। अच्छा, हफ्ते में दो बार देते हैं? वो मिसाल वही इस्तेमाल करता हूं फरहान, तो उससे हाजमा इसका जबरदस्त जा रहा है। अच्छा, ओदा हुन भाई हाजमा इस तरह में भाई देना है ना, तो एक दो मिनट को रोक के इंतजार करो, उसी टाइम मेघना और छोटा पेशाब बकरा फौरी कर। अच्छा, यानी तेज है मसाला? जबरदस्त। और बकरा जी चमकदार भी है, देखें आप सभी शाइन इसके ऊपर है। आकिब भाई इसको सर्दियों में तेल या घी ही दिया था आपने? भाई तेल घी नहीं दिता ही मैं। अच्छा, नालो तिलन दा ऑयल इस्तेमाल करते रहे हम, उसके पीछे में इलसी हालिया मेथरे। अच्छा, नाल ये थोड़ा जा तारा मीरा ये बीज देते रहे हैं ते, तेल। अच्छा, तेल तिलन दा जो बीज होता है जी जी, ये चार पांच चीजें मिक्स करके ना। हाँ जी, वो पाउडर से बना के ना वो सर्दी में। ठीक ठीक, आप पाउडर फॉर्म में दे रहे थे जिन बीजों से तेल निकलता है जी, वही बीज पाउडर फॉर्म में दे रहे थे। काफ़ी लोग हैं अभी गर्मियों में भी सरसों का बीज भी लोग वंडे में यूज़ करते हैं। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी माशाल्लाह से बहुत हसीन है जी, सफ़ेद आँखों में है, मुँह झालर, तो मैंने कहा जी आप सभी को इसका भी शौक करवाएँ, बहुत हसीन जी। मुकद्दर नाम है जी इसका। आप में से कोई भाई सरगोधा में शौक करना चाहे वो आ सकता है सरगोधा मुकाम हयात, ज़बरदस्त। आकिब भाई
नंबर दे दें अपना 0306-043-4490। ये जी आकिब भाई का नंबर है। जी दोस्तों, ये थे माशाल्लाह से आकिब भाई और ये इनका बकरा मुकद्दर, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मेल है जी। और इसके अलावा आकिब भाई का नंबर मैंने ले लिया है। आप में से कोई भाई अपने शौक की वीडियो बनाना चाहे, कोई भाई जानवर देना चाहे, तो मुझसे भी रब्ता कर सकता है। 0313-80-99-418 ये मेरा नंबर है जी। बाकी आकिब भाई के पास आप सभी आएँ, शौक करें माशाल्लाह से, और इसके बच्चों के क्लिप्स भी आकिब भाई से मिल जाएंगे। आप में से कोई भाई अगर बच्चे लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। ठीक है आकिब भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।